के रास्ते में ही गांव यहाँ के लोग हर सुबह 10 बजते ही सो जाते हैं। कहानी की शुरुआत में कैलिफोर्निया के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है और सभी लोग मिलकर गांव के एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही क्लॉक पर 10 बजते हैं तो वह पूरा टाउन ही उसी जगह पर सो जाता है। और न केवल इंसान बल्कि इस गांव के पशु पक्षी और यहाँ तक कि पंछी भी सभी 10 बजते ही सो जाते हैं। एक आदमी गाड़ी चला रहा होता है कि उसे टाइम का ध्यान ही नहीं रहता, 10 बजते हैं और वह वैसे ही गाड़ी चलाते हुए सो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह इंसान मर जाता है। फिर हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो उस टाउन में एक्सीडेंट की वजह से आए होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ ऑफिसर्स उस टाउन के अंदर जाते हैं तो वह भी वहां जाते ही सो जाते हैं। फिर जैसे घड़ी पर 4 बजते हैं तो वह पूरा टाउन ही फिर से जाग जाता है। फिर आगे कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गांव के कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए थे क्योंकि गांव की ज्यादातर महिलाएं प्रेग्नेंट थी और उनमें से कुछ लड़कियां तो अनमैरिड थी। उस जगह पर सूजन नाम के एक डॉक्टर आती है जो उन सभी को बताती है कि जो भी औरत उन बच्चों को जन्म देगी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने $3,000 दिए जाएंगे। सूजन की बात सुनकर सभी औरतें ही बच्चा पैदा करने के लिए मान जाती हैं। फिर कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब वह बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन वह बच्चे नॉर्मल नहीं थे बल्कि दूसरे बच्चों से काफी इंटेलिजेंट थे। एक दिन जब एक औरत अपनी बच्ची को खाना दे रही होती है तो खाना काफी गर्म होता है, जिससे कि उसकी बेटी को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपनी माँ को हिप्नोटाइज करके उसी गर्म खाने में उसका हाथ जला देती है। जिन भी घरों में वह बच्चे होते हैं उन सभी घरों में ही काफी अजीब घटनाएं होती रहती हैं।